हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्निकल जोशी। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टीम पावर प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, स्टीम पावर प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर प्लांट है, क्योंकि इंडिया में 62% जो कि टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 62% अकेला स्टीम पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा 4760 मेगावाट जनरेट करता है विंध्याचल सुबर थर्मल पावर स्टेशन, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और ये विद्यानगर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसको इंस्टॉल किया गया है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टीम पावर प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कोल एंड वाटर। ओके, तो इसमें कोल को क्या किया जाता है, ये पावर प्लांट जो है उसको इंस्टॉल उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे हम कोल आसानी से पहुँचाया जा सके एंड वाटर आसानी से अवेलेबल हो। ओके, तो कोल बाय ट्रांसपोर्ट या तो ट्रेन से या फिर किसी अदर सोर्सेस से हम कोल इस जहाँ पे भी ये पावर प्लांट है वहाँ पे हम कोल पहुँचाते हैं। कोल पहुँचाने के बाद क्या किया जाता है, इस कोल को एक जगह पे स्टोर किया जाता है। स्टोर होने के बाद इस कोयल को बर्न किया जाता है, बॉयलर में इस कोयल को बर्न किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये रिवर है, ये रिवर में ये बॉयलर पंप से पानी को, जैसे कि हमारे घरों में मोटर लगी होती है पानी की, जो अगर मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे घरों में पानी की जो मोटर लगी होती है वो जमीन से पानी या फिर जहाँ से भी पानी ले करके हमारे टंकी में या फिर कहीं पे भी हम उसको स्टोर करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि रिवर में से पानी को ले रहे हैं और यहाँ से स्टोर ना करके इसको क्या कर रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट करके इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। वेलोसिटी बढ़ा करके हम स्टीम टरबाइन को दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ समझने वाले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम पानी ले रहे हैं, पानी लेने के बाद यहाँ पे कोल बर्न हो रहा है, यहाँ पे जो फ्यूल है, फ्यूल फ्यूल के रूप में हम कोल को यूज कर रहे हैं, कोल को बर्न किया जा रहा है, बल करने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ जो ये पाइप है इसमें इसकी वेलोसिटी बढ़ा करके और उसके बाद हम स्टीम टरबाइन को दे रहे हैं। जब स्टीम स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स में पड़ता है तो ये टरबाइन रोटेट होता है और इस टरबाइन से जनरेटर कपल्ड होता है और इससे जनरेटर भी रोटेट होता है। ये एक जनरेटर है जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, तो यहाँ पे एसी जनरेटर यूज़ किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है, ये 11 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद इससे हम सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है, आपने पढ़ा होगा। एंड उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है तो हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में या फिर 66 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बॉयलर में जो कोल जब बर्न होता है तो उसके बाद जो एस बच जाता है उसको हम एस को हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, आपको सिर्फ स्टीम पावर प्लांट में सिर्फ इतनी चीज़ याद कर मतलब याद करनी है कि हम रिवर या फिर कोई और सोर्स हो पानी का, वहाँ से हमने पानी बाय पंप लेना है और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है और स्टीम टरबाइन में देना है। ये इसकी वर्किंग है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो इनिशियल इनिशियल कॉस्ट अदर जनरेटिंग स्टेशन के मुकाबले कम होती है। ओके, एंड इसमें फ्यूल के रूप में कोल यूज़ किए जाते हैं जो कि अदर फ्यूल के मुकाबले सस्ता पड़ता है। एंड जो स्टीम पावर प्लांट को कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है जहाँ कोल पहले से हो या फिर जहाँ पे कोल और वाटर, जहाँ वाटर तो होना ही चाहिए बट जहाँ पे कोल को हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, क्योंकि ऐसा है ना कि हम इसको पहाड़ों में, जैसे कि हिली एरिया जो होते हैं हमारे, पहाड़ जो होते हैं पहाड़ों में हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है, आप पहाड़ों में कोल
को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मतलब मुश्किल का काम है वहाँ पे, मतलब कोल नहीं किया जा सकता, तो हम इसको पहाड़ों में इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे पहाड़ों में इंस्टॉल नहीं किया जाता। एंड इसकी जो जनरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम होती है डीजल पावर प्लांट के मुकाबले। ओके, और इसको इंस्टॉल करने के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट के मुकाबले कम होती है। ये हैं इसके एडवांटेजेस। एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि स्टीम पावर प्लांट से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर में जो इसका डिसएडवांटेजेस है, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है हाइड्रो पावर प्लांट के मुकाबले। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि स्टीम पावर प्लांट्स की वर्किंग क्या है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया था कि वाटर को पंप के थ्रू बॉयलर में पहुंचाया जाता है, बॉयलर में कोल बर्न होता है और यहाँ पे इसको स्टीम में कन्वर्ट करके स्टीम टरबाइन में दिया जाता है। स्टीम टरबाइन से जनरेटर कपल्ड होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेटर जनरेट करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।